और उस पेड़ पे हमने बना रखा है एक सीक्रेट कैंपिंग प्लेस, और वो प्लेस सच में हिडन है। आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है गाइस, नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है ना तो गाइस आप है ना भाई अपना कमेंट कर देना किस टाइमिंग पे दिख रहा है, उसके कमेंट को भैया इस वीडियो के नीचे मैं पिन करूंगा, ठीक है ना। तो गाइस तैयार रहिए, अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस पेड़ के पास और आपको फाइंड करना है उस प्लेस को। चलो चलो चलो। तो गाइस ये जो पेड़ है ना सच में काफी ज्यादा पुराना है, और पुराना होने के साथ साथ ये काफी ज्यादा मजबूत भी है। सच में काफी ज्यादा मजबूत है। एक बार इसके तने को देखो भाई, कितना खतरनाक है। लेकिन यार आपके लिए एक टास्क है भाई, आपको ना इस पेड़ पे वो कैंप ढूंढना है जो सीक्रेट कैंपिंग स्पॉट है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए क्लिप्स चालू कर दे रहा हूँ, आप उसमें ढूंढ के बताइए। जिसने ढूंढ के बता दिया उसका कमेंट को मैं इस वीडियो के नीचे पिन कर दूंगा। ढूंढो ढूंढो, क्या तुम्हारे को दिख रहा है क्या भैया इस बार? क्या भाई नहीं मिला? मैं बता दूं, चलो अब मैं बताता हूं आपको। तो भाई जो हमारा सीक्रेट कैंपिंग स्पॉट है भैया वो उस तरफ है, ऊपर की तरफ। भाई सच में से ढूंढना काफी मुश्किल है और उस पे चढ़ना भी काफी मुश्किल है। तो भाई उसके लिए हमने एक जुगाड़ लगा रखा है। सुरेश जी लेके आओ, लेके आओ। हमने जुगाड़ की मदद से ऊपर एक सीढ़ी बांध रखी है और उस सीढ़ी से हम भैया ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। उस सीढ़ी तक पहुँचने के लिए भी हमें एक सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। सच में गाइस बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, और जो एक सीढ़ी है वो 15 से 20 फीट की है। तो सोच लो इस पे दो सीढ़ियां लगी हैं, और जो हमारा कैंपिंग स्पॉट है वो भी काफी ऊंचा है। भाई सच में इस पे चढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल है यार। तो गाइस प्रेजेंट करता हूँ हमारे कैंपिंग स्पॉट को इन 3, 2, 1 और हम इस पे करेंगे कैंप, है ना। बहुत ही शानदार लोकेशन गाइस। ये देखो आप देख रहे हो ढंग से, यहाँ पे पूरा एक मधुमक्खी का बहुत बड़ा झुंड है जो कि सच में बहुत ही खतरनाक है। अगर हमने एक छोटी सी भी गलती करी, एक छोटी सी भी धुआं आग कुछ भी ऐसा हुआ और वो डिस्टर्ब हो गए, काली मधुमक्खियाँ अगर वो डिस्टर्ब हो गई तो भैया यहाँ पे हमारे को कोई जिंदा नहीं बचा सकता, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने काटना चालू करा तो हम सीधा नीचे गिरेंगे खाई में और मौत होगी। तो सच में ये जो चैलेंज है एडवेंचर के साथ साथ बहुत एक्सट्रीम भी होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यहाँ से आने वाला है बहुत ही खूबसूरत नजारा और एडवेंचर। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो? गाइस अगले 24 घंटे हमारे इस पेड़ पे सीक्रेट कैंपिंग स्पॉट पे सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। चलो गाइस यार ये सब के सब चढ़ के ऊपर है, बट यार जो हमारा सीक्रेट कैंपिंग स्पॉट है ना वहाँ पे हद से ज्यादा हद मार के 3 जने रह सकते हैं। इतने सारों के साथ क्या करना है वो तो चलो वीडियो के अंदर ही। इसको देखो आड़ू को मजा आ गया। चाहे कोई मुझे गिर जाएगा, अबे गिर जाएगा, मजा आएगा। लड्डू देखो आराम से चढ़ रहे अपने सीढ़ी से। लड्डू आराम से चढ़ना। तो गाइस फाइनली अभी हम सबके सब पेड़ पे आ चुके हैं और हमारे इस 24 आवर सीक्रेट कैंपिंग स्पॉट पे अभी हम हमारा चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई अभी टाइम क्या हो रहा है? 12 गाइस 12 बज रहे हैं और ये चैलेंज कल सुबह की 12 बजे खत्म होगा। तो गाइस निर्मल और जो हमारा छोटू भवानी है और दद्दू है इन्होंने अभी तक ऊपर की लोकेशन नहीं देखी है। चलो मैं इनको ऊपर की लोकेशन दिखाता हूँ और इनका रिव्यू लेता हूँ कि कैसा है हमारा सीक्रेट कैंपिंग स्पॉट। चलो तो गाइस अभी निर्मल और भवानी ये दोनों भी ऊपर आ चुके हैं। निर्मल कैसा लग रहा है? समझ रहे हो ना?
सकता है, अपने को यहाँ पे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। सच में भैया आपने तो बहुत ज्यादा हिडन सीक्रेट प्लेस बनाया, यहाँ पे तो कोई भी नहीं आ सकता। तो गाइज इन दोनों के सिर्फ यही रिएक्शन रह रहा है कि ये तो हकीकत में किसी को भी दिखेगा नहीं, एकदम हिडन है, इतनी हाइट पे कौन अपना मकान बना सकता है जो इस पे रह सकता है। यार दद्दू आप खड़े मत रहो यार, डर लगता है। मेरे को डर नहीं लग रहा। आपको डर नहीं लग रहा? मैं तो डरता ही नहीं हूँ, मेरे कलेजा ही नहीं है डरने का। अरे बाप, मैं तो लूम के उतर जाऊंगा। नहीं नहीं लूम के नहीं उतरना दद्दू। अच्छा आपको मधुमक्खी से तो डर लगता है ना? उससे डर लगता है, उससे हाथ जोड़ता हूँ। बस हवा निकल गई। माता सगत भवानी बचाना भाई, माता जी पूरी माता जरूर बचाना। अरे वाह गाइस, सुरेश जी को देखो कैसे लेटे हुए आराम से, बिस्तर बना लिया इन्होंने तो नीचे ही। चलो गाइस अभी मैं भी नीचे जाता हूँ और हम थोड़ा एंजॉय करते हैं, जब तक दद्दू। भैया मैं तो सो रहा हूँ यहाँ पे, नींद आ रही है मेरे को। ठीक है पानी वानी सब इधर ही रखा हुआ, ये देखो इधर पानी रखा हुआ है। ठीक है दद्दू बाय बाय। बाय बाय। तो गाइस जैसा कि आपको पता है भैया, हमारे कैंप में सोने के लिए सिर्फ 3 जनों की जगह है और यहाँ पे हम 5 जने हैं, दद्दू को मिला के 6। तो भाई इतने जने तो ऊपर आएंगे नहीं, तो हम यहाँ पे कुछ गेम्स रख रहे हैं और उस गेम्स में जो भी हारेगा भाई वो इस चैलेंज से आउट हो जाएगा, उसे हमारे सीक्रेट कैंपिंग स्पॉट पे रहने की जगह नहीं मिलेगी। तो भाई तैयार हो? तैयार हो, जीतना है सबको। जीतेंगे। तो भाई जो हमारा सबसे पहला गेम है वो होएगा गेंद से बचने का चैलेंज। हमारे यहाँ पे कैमरामैन है, वो भैया गेंद मिला के फेंकेंगे और उस निशानों से हम लोगों को बचना है। जिसके भी बॉल टच हो गई, जिसके भी लग गई गेंद, वो भैया आउट है। तो वेट किस चीज का कर रहे हो? जाओ जाओ जाओ, छुप जाओ छुप जाओ, पेड़ पे छुप जाओ भाई, भवानी तू भी छुप जा। अब मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा, जो जहाँ छुप पाएगा वहाँ छुप गया और जो नहीं छुप पाया उसको पड़ेगा इसका शॉट। सो काउंटडाउन स्टार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गेम स्टार्ट्स नाउ। निर्मल शिट बच गया, ये रहा एक। ओह शिट, बच गया। निर्मल एक बार वापस मेरे टारगेट पे। ओह शिट, बच गए। भवानी का है, भवानी को रोकता हूँ। भवानी बहुत इजी टारगेट है, ये रहा, ये लग गए। आउट भवानी, आउट। अरे बाप रे बाप भाई, सच में ये जो पिदम पिद्दी थी, मजा आ गया इस गेम के अंदर। तो हमारा भवानी आउट हो चुका है, तो भवानी पहली फुर्सत में निकल, चलो निकल। अभी हम 4 जने बचे हैं, सच में काफी ज्यादा थक गए, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर दिमाग में कोई आइडिया आएगा ना कोई दूसरे गेम का तो वो खेलेंगे। जब तक रेस्ट कर लो भाई सबके सब। अभी भी हम यहाँ पे 4 जने हैं और दद्दू को मिला के 5 जने हैं, तो भाई फटाक से 1 जने को और एलिमिनेट करना होगा। उसके लिए दिमाग में क्या यार, कोई गेम में बताऊं कौन सा? ये जो साके दिख रही है ना, हाँ सब पे झूला खाते हैं। अरे ये भी सही है। तो गाइज अभी हम खेल रहे हैं झूला झूलने वाला गेम। ये जो रूट दिख रही है ना, इन पे लटक के झूला झूलना है, जो सबसे लास्ट में उतरेगा वो विजेता होगा और जो सबसे पहले गिर गया वो आउट होगा। समझ रहे हो? रूल यही है कि पांव जमीन पे टच नहीं होना चाहिए, जमीन पे टच होते ही आउट। ये जो शाखाएं दिख रही है इन पे अपने को लटकना है। तैयार हो? यस। इन 3 2 1 आउट है। देखो गाइस इस चैलेंज के अंदर सुरेश जी आउट हो गए, उसका पजामा फट गया इस चक्कर में। कैमरामैन फोकस कराओ। गाइस यार मजा आ गया, और अभी हम भैया 3 जने बचे हैं। अब भाई कोई भी चैलेंज की जरूरत नहीं है, हम तीनों इस पेड़ के मालिक हो गए हैं। 24 घंटे के लिए हम तीनों रहेंगे, जिसमें से कि हमने कितने घंटे बिता दिए? करीबन 5। अभी हमें करीबन लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं इस पेड़ के ऊपर। A few minutes later. तो गाइस अभी हमें बहुत तेज से भूख लग रही है भाई, और हमारा खाना नीचे से आ रहा है। हम यहाँ पे तो खाना बना नहीं सकते, तो निर्मल खाना लेके आ रहा है। आजा 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 आजा। क्या है खाने के अंदर? ये है नमकीन और पोहे। पोहे? हाँ। ला दिखा। तो गाइस अभी हमारा खाना आ चुका है और अभी हम करेंगे नाश्ता। दद्दू उठ गए, खाना खाओगे? खाना खाओगे? खाना खाऊंगा। गाइस मस्त पोहे आए हैं घर से आज, लो खोलो टिफिन। तो गाइस मस्त अभी पेट भर चुका है, अभी चलते हैं हम नीचे। निर्मल कहाँ गए? जो सो रहा है अंदर बैठा है, उसको उठा दो। उठा दूंगा, उठा देंगे। उठा दो, आ गया आराम से, आ गया, कोई दिक्कत नहीं मेरे को।
तो गाइस अभी है ना बाहर बहुत ही खतरनाक अंधेरा हो चुका है। एक बार आप देखो भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा, ये सिर्फ करीब का डाला और ये आजू बाजू की चीजें दिख रही हैं। अब हम बिल्कुल भी यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि भाई हम यहाँ पे अकेले नहीं है, हमारे साथ यहाँ पे काफी सारे मोर पक्षी और खतरनाक मधुमक्खियां हैं। तो पेड़ पे अभी घूमना बिल्कुल ना। और टाइम क्या हो रहा है अभी वो बता दे, लूडो बाद में खेलना टाइम बता। गाइस टाइम हो रहा है 6:33, तो बैटरी यही होगा कि हम कैंप में रहें और अब रात का मजा लेते। भाई काफी जल्दी अंधेरा हो गया यार। तो गाइस टाइम रहते भैया, हमारे तंबू को हमने पैक कर लिया है और ये दोनों तो लौट चुके हैं। अब भाई मैं भी लौट जाता हूँ और आराम से यहाँ पे नींद लेते हैं। कैसा लगेगा आज की नाइट, सबसे इंटरेस्टिंग नाइट होने वाली है। क्या हो अगर डाला एकदम से टक करके चला जाए, हम तो टेंट के साथ ही नीचे फ्लैट पेपर की तरह फ्लैट हो जाएंगे वहां पे जाकर। क्या तेरे को क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया, बाकी कोई बात नहीं। दवाई मंगावा तेरे लिए? नहीं मुझे जाना पड़ेगा। अरे दस्त लग रही है। दस्त लग रही है? बाहर निकल। अबे ओए निकल करेगा कैंप के अंदर भाई, ऐसी बात है पहले बोल देता हमें। अरे नहीं मुझे लगा चैलेंज मैंने दबा के रखा 2-3 घंटे। किसका चैलेंज सुने था भाई? हमें हमारा तंबू है ना बसाना नहीं है। एक बात बता, हकीकत में तेज की लग रही है? हाँ हकीकत। अगर नहीं लग रही है तो रुक जा। नहीं बहुत जोरदार लग रही है, अब मैं सहन नहीं कर सकता। एक गाइस निकालो उसको यार। भाई सही टाइम पे तंबू बंद ही करा था। अबे आराम से उतरियो। रुक जा भाई, भाई आराम से उतरियो, हमें नीचे गिरा देगा तू भी। भाई अंधेरा देखो कितना ज्यादा हो चुका है बाहर। अरे भाई इसने तो लाल टी शर्ट पहन रखी है, मधुमक्खियां गुस्सा ना हो जाए। ओए ये यहाँ पे रख दे। डायरेक्ट कूजा तू, ऐसे उतर मत। डायरेक्ट कूजा तू, निर्मल का साथ तो हमारे साथ यहीं पे ही था। तो गाइस दिन भर भैया भाग दौड़ खेल कूद करते करते भाई सच में अभी काफी ज्यादा थक चुके हैं और बहुत ही जोरों से भाई मुझे तो नींद आ रही है। तुझे नींद आ रही है क्या भाई? आ रही है, बंद करते हैं। नींद आ रही है भाई, तो अभी क्या करते हैं, हम तो सोते हैं और मिलते हैं आपको सुबह। कौन था ये गाइस? साले कुत्ते, बहुत खराब पादा है जिसने भी पादा है। मैंने तो नहीं पादा भाई, देख तू ही है। अपन दोनों के अलावा किसने पादा होगा? वो ही हो रहा है। नहीं भूत तो आएगा नहीं, तू है। चल ठीक है आधा पादा कर लेते हैं, जिसके ऊपर आया वो जीत है। रुक जा आधा पादा कर ले। किसने पादा? राम जी की घोड़ी ने पादा। गाइस इसने पादा यार, ये गलत बात है। तो गाइस सुबह हो चुकी है और कल रात से भैया मैंने टॉयलेट रोक के रखी हुई है। तो भाई जल्द से जल्द ये चैलेंज हमारा कंप्लीट हो जाए। अभी कितने घंटे बचे इसको कंप्लीट होने में? भवानी 2-3 घंटे और बचे हैं बस। सिर्फ 2-3 घंटे बचे हैं। हमने इसको कितने बजे चालू करा था? 12 बजे के लगभग चालू करा था और अब 12 बजने में 2-3 घंटे और बचे हैं। तो भैया इंतज़ार करते हैं, चैलेंज कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ से रघु चक्कर ले जाएंगे क्योंकि भैया हमने खूब गले लगा लिया इस पेड़ को सच में। बाप रे बाप गाइस, सुबह बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है यार और कोहरा देखो एक बार, कितना ज्यादा कोहरा है भाई, एक नंबर। अपने सूर्य देवता कहाँ है? सूर्य देवता इन पेड़ों के पीछे हैं। अभी आपको दिखेंगे नहीं, यहाँ से किरण कहीं से दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिख रही है। कितनी सारी मधुमक्खियां उड़ रही है यहाँ पे। अंदर आजा। क्यों ज्यादा उड़ रही है? अंदर पागल। हाँ अंदर अंदर बंद कर इसको, ज्यादा उड़ रही है। हाँ यार सुबह सुबह ज्यादा उड़ रहे, सुबह सुबह मालूम करो मुझे ज्यादा लग रही है। गाइस कितनी ज्यादा उड़ रही है यार। 2000 years later. तो गाइस मस्ती मजाक करते करते भाई टाइम कितना बचा है अब? ऑलमोस्ट ओवर। एक काम करते हैं, नीचे उतरते उतरते टाइम भी कंप्लीट हो ही जाएगा। 3 मिनट बचे हैं, चलो चलते हैं। एक जूते तो डायरेक्ट फेंक देते हैं, ये चप्पल भी फेंक दी। गई वो तो नीचे, गाइस जूते चप्पल तो गए नीचे। तो गाइस हमारा चैलेंज कंप्लीट होने वाला है, नीचे उतरते उतरते पूरा हो जाएगा। उतरो 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 उतरो। हो गया ना टाइम देख के बता, हो गया क्या? एक मिनट, हो गया जाओ। ये है। तो गाइस फाइनली हमारा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। हमने पूरे के पूरे 24 घंटे इस विशाल काय पेड़ के ऊपर हमारे सीक्रेट कैंपिंग स्पॉट पे बिता लिए हैं। सच में काफी मजा आ गया है। बाकी यार उन मक्खियों ने हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करा और हमने भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करा, उसके लिए भाई मैं उनको हाथ जोड़ता हूँ। आपके साथ भी कभी ऐसा ना हो कि वो मक्खियाँ आपको काटे, वरना हॉस्पिटल पहुँच जाओगे सीधे के सीधे।
अबे आजा। गाइस ये पता नहीं किस चीज का वेट कर रहा है। हो गया भैया चैलेंज कंप्लीट। मजा आ गया। अगर आपको पसंद आई है ना वीडियो तो लाइक कर देना, और प्लेस अच्छी लगी है तो भैया कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना। क्यों दद्दू? तो चलो हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट और बेहतरीन वीडियो के अंदर। बाय।